देखिए बच्चों, लास्ट टाइम जो हमने 246 में पढ़ाया था उसमें क्या पढ़ाया था, इसका छोटा हुआ पढ़ाया था। आज छोटा हुआ ये न्यूटन सुना और इसके आगे का बताया हमारा कि प्रेम छोटा हुआ था, प्रेम हो गया क्या आइडिया अंदर बेटी लोग अंदर, तो प्रेम इसको बढ़ाते रहे सुनो विविधन प्रेम। और हमारी ऑनलाइन क्लास से क्या है, हमने लास्ट टाइम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की क्लास रिकॉर्ड करी थी, आज हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्लास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हिंदी में कहते हैं निर्देश तल, पर यहाँ हिंदी मीडियम में चलते हैं ऑनलाइन वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तल क्या होता है। एक्स एक्सिस दे दिया, वाई एक्सिस दे दिया, जेड एक्सिस दे दिया, ऑब्जर्वर दे दिया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और ऑब्जर्वर को ये फ्रेम ले लिया, एक पार्टिकल लिया, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस लेसन का टॉपिक है रोटेटिंग से, तो वो अभी हमने बीच में जगह छोड़वाई ना उसमें लिखा, ठीक है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो पोजीशन और मोशन से एनालाइज करते हैं, एक्स वाई जेड पोजीशन कोऑर्डिनेट और टी क्या है टाइम कोऑर्डिनेट, तो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है एक्स वाई जेड है स्पेस और ये क्या है टाइम, तो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पोजीशन टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम है या पोजीशन टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमने ये थ्योरी है इसे पॉइंट में लिखवा दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड विथ एनी रीजन फॉर, एनी रीजन फॉर जो हम अटैच कर देते हैं किसी भी रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब वो बॉडी जिसका एग्जिस्टेंस है, जो मतलब इसका कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस है वो बॉडी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम या पोजीशन टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स पोजीशन के और टी टाइम कोऑर्डिनेट है, लाइट को पार्टिकल से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में लगा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए पोजीशन टाइम और स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोजीशन टाइम और स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फोर कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड के तीन कोऑर्डिनेट है, एक टाइम कोऑर्डिनेट है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए फोर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पॉइंट में थ्योरी ऐसे लिखो ना कि याद नहीं होती, तो पॉइंट में याद हो जाती है,
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड तीन एक्सिस हो गए, एक बन गया और एक है टाइम, ठीक है, मतलब ये हमने एक्स वाई जेड एक्सिस क्लासरूम से अटैच कर दिया, क्लासरूम से, बस स्टॉप से, रेलवे स्टेशन से, ये सुबह बैठ गए, अपने को ऑब्जर्वर मान लिया, एक्स वाई जेड एक्सिस बन गया, तो हर ऑब्जर्वर से फ्रेम बन जाता है जहां पे वो, तो ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है अटैच विथ एनी रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी से हम अटैच कर देते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। अटैच विथ एनी रिजिड बॉडी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए पोजिशन टाइम या स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट, तो पोजिशन एक्स वाई से और टी है टाइम, तो पोजिशन के है कोऑर्डिनेट और टी टाइम कौन सा है, लाइट को पार्टिकल से ऑब्जर्वर तक लगने के लिए, जैसे ऐसे है हम ऑब्जर्वर एक्स वाई जेड एक्स, आप हमें कैसे दिख रहे हैं लाइट आपका पड़कर हमारे पास, मान लीजिए क्लास शाम की भी 7-8 बजे की लाइट चली गई तो हमें आप लोग नहीं दिखते हो ना, हमें दिखते तभी हो जब लाइट आप पर पड़कर हमारे पास, ठीक है, तो वो टाइम आपका पार्टिकल से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में लगा लाइट को से, ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए 4 कोऑर्डिनेट्स, चार कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और टी, एक्स वाई जेड और टी, एक्स वाई जेड पोजिशन के कोऑर्डिनेट और टी टाइम, टी आपका टाइम, टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम फ्रॉम पार्टिकल टू टी, टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम पार्टिकल टू ऑब्जर्वर। अब ये देखिए पोजीशन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड सी, ठीक है, तो ये देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आर बराबर एक्स आई वाई जेड, एक्स आई वाई जेड आर में आर से मजबूत है, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या ले रहे हैं, सी है स्पीड ऑफ लाइट और टी है स्पीड ऑफ लाइट, सी की वैल्यू 3×10^8, ठीक है, तो स्पीड टी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये इक्वेशन फ्रेम, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये जनरलाइज, दिस इज द जनरलाइज इक्वेशन ऑफ द, ये जनरलाइज इक्वेशन
ठीक है, दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ द सेल। अब यहाँ पर इस यूनिवर्स में कितने फ्रेम हैं? तो इनफाइनाइट बॉडीज है, इनफाइनाइट फ्रेम, ठीक है। जैसे क्लासरूम में बैठे हो, हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मान लिया, दो दो चार दो छः छः फ्रेम के यही लगे, तो जितनी ऑब्जर्वर है उतने तो फ्रेम आप मान दे सकते हो। तो इस यूनिवर्स में कितने फ्रेम है? इनफाइनाइट, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रेम इन दिस यूनिवर्स, तो ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेम है इस यूनिवर्स में। फ्रेम को दो क्लास में डिवाइड किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक है इनर्शियल और दूसरा है। एक इनर्शियल फ्रेम है और एक नॉन इनर्शियल, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम, वन इज इनर्शियल एंड अदर इज नॉन इनर्शियल। एक बार देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड विद एनी रिजिड बॉडी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड विद एनी रिजिड बॉडी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अटैच कर देते हैं किसी भी रिजिड बॉडी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए पोजिशन टाइम या स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पोजिशन टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए फोर कोऑर्डिनेट सिस्टम, चार कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम। इसमें एक्स वाई जेड पोजिशन कोऑर्डिनेट है और टी टाइम कोऑर्डिनेट, और टाइम भी क्या है, लाइट को पार्टिकल से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में लगा समय। पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, आर में आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर की वैल्यू ले लीजिए सी की, क्योंकि यहाँ पर लाइट को पार्टिकल से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में लगा समय सी, तो सी ऑन टू टी सी टी। अब ले गया सी टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस इज द जनरलाइज इक्वेशन ऑफ द फ्रेम, ये जनरलाइज इक्वेशन है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेम है इस यूनिवर्स में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेम इन दिस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, वन इज इनर्शियल फ्रेम एंड अदर इज नॉन इनर्शियल। एक इनर्शियल फ्रेम है और दूसरा नॉन इनर्शियल, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? लिख लो बेटा, तुम लोगों ने लिखा देख लो, लिखे पॉइंट चेक कर लो। Thank you.
वेरी गुड। तो ये हो गया फ्रेम ऑफ आपके टेस्ट में न्यूटन्स लॉ और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये अभी हम टॉपिक लिख देंगे, तुम जाके तुम्हारा मैथ का क्लास होगा तुम लोग ऑनलाइन पे। ठीक है, ये एक थर्ड लेसन का वो पूरा रहेगा, क्या क्या पढ़ाया, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ रोटेशन, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ डायरेक्शन, फिर रोटेशनल टोटल एनर्जी बताई है रोटेशनल और जो, और फिर हमने बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंशन आई बराबर आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स एक्स, फिर आपको बताया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका रिंग रिंग या ठीक है, इतना पढ़ाया, इतना तैयार करना है, दो टॉपिक और बढ़ा लो, न्यूटन से आप बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है, और फिर उसका ही इतना आपको आराम से। कल तुम लोग को टेस्ट ही देना है तो एक काफ़ी पतली सी बना लो इसमें टेस्ट के लिए, ठीक है, वो जमा कर जाना मीटिंग में लेके आ जा रहे हैं मामा के यहाँ वैसी है मामा के, तो हम जा रहे हैं तो हम आपके पास जो है तुम लोग इतना टाइम नहीं कर देगा, बताओ कितने बजे का टाइम है, 9 से 12 है, 1 घंटे का टेस्ट जो 8 घंटे 7-8 से 9 बजे पढ़ाई निकल रही है, वो टेस्ट पूरी बेटी में ही होती है। क्वेश्चन हम उसको बता देंगे लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे फॉर्मेट में देंगे, ठीक है, 1 घंटे का टेस्ट है तो भाई आपको 1 राउंड दिया जा सकता, ठीक है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन बनता है भाई, वैसे आपको 4 लॉन्ग का दे, 1 लॉन्ग और 4 शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे, 1 लॉन्ग, ठीक है, अब देखिए इधर वर्क कर दे, फ्रेम जो है अंतरण याद है जरा शॉर्ट में लिखवा दे रहे हैं, तो हम लोग जाना चले जा रहे हैं देखिए, एक है इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल 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 फ्रेम, इसमें क्या है, एक फ्रेम है जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, उसे हम क्या कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, ए फ्रेम विच होल्ड्स द न्यूटन्स लॉ, ठीक है, वैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ विच होल्ड्स द न्यूटन्स लॉ या ब्रैकेट में न्यूटन्स सब ऑब्जेक्टिव ऑर्डर आपको लिखना है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रेम विच होल्ड्स द न्यूटन्स लॉ या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, कॉमन रखिए, इज नोन एज इनर्शियल इनर्शियल, उसे हम जानते हैं इनर्शियल फ्रेम, एक फ्रेम
जो होल्ड कर रहा है न्यूटन न्यूटन्स लॉ को या न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को, उससे हम क्या कहते हैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम जो है उसमें अनएक्सेलेटेड बॉडी है, जिस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं, जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपको कोई आप में कोई एक्सेलरेशन नहीं, ठीक है। तो अनएक्सेलेटेड बॉडी मे नॉट बी एक्सेलरेटेड। अच्छा लगा, अब मंगाएंगे तब तो छुट्टी करना पड़े, आज वर्ग कर रहा है, अब अगर मेरे को लगवा दें इनर्शियल फ्रेम फ्रेम इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम अनएक्सेलरेटेड बॉडी अनएक्सेलरेटेड बॉडी अनएक्सेलरेटेड बॉडी जो अनएक्सेलरेटेड बॉडी जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अनएक्सेलरेटेड बॉडी मे नॉट बी एक्सेलरेटेड, मे नॉट बी एक्सेलरेटेड, वो एक्सेलरेट नहीं या एक्सेलरेट नहीं, ठीक है। इसमें फ्रेम के द्वारा फोर्स फोर्स ड्यू टू द फ्रेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑब्जर्वर पार्टिकल का मास फोर्स ड्यू टू द फ्रेम जीरो, ठीक है। फोर्स ड्यू टू द फ्रेम विल बी जीरो, फोर्स फ्रेम के कारण क्या होगा जीरो, तो फोर्स एफ बराबर एम ए तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ बराबर एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन तो एफ बराबर एम ए बराबर जीरो, ये क्या हो गया जीरो। फोर्स ड्यू टू द फ्रेम विल बी फोर्स जीरो, तो वेलोसिटी का रेट वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो अनएक्सेलरेटेड बॉडी जो भी है वो सब इनर्शियल, जितनी भी बॉडीज अनएक्सेलरेटेड है वो सब इनर्शियल, ऑल ऑल अनएक्सेलरेटेड बॉडीज जितनी भी अनएक्सेलरेटेड बॉडीज एंड ऑल अनएक्सेलरेटेड बॉडीज आर इनर्शियल फ्रेम, वो सब क्या है इनर्शियल, ठीक है। अनएक्सेलरेटेड बॉडीज आर इनर्शियल फ्रेम, इसका एग्जांपल है क्लासरूम, क्लासरूम बस स्टॉप ये सब रेस्टोरेंट रेलवे स्टेशन जो आपको फिक्स रह रहा है वो इनर्शिया, क्लासरूम बस स्टॉप रेलवे स्टेशन मूविंग बॉडीज इनर्शियल हो सकती है अगर वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है। मूविंग बॉडीज बॉडीज आर आल्सो इनर्शियल इफ मूविंग विथ कॉन्स्टेंट, moving bodies are also inertial if moving with constant velocity,
moving bodies are also inertia if moving with constant mass. एक फ्रेम है जो होल्ड कर रहा है न्यूटन्स लॉ, प्रॉपरली होल्ड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं इनर्शिया। ए फ्रेम विच प्रॉपरली होल्ड द न्यूटन्स लॉ नोन एज इनर्शिया। इन इनर्शियल फ्रेम अनएक्सेलरेटेड बॉडी विल नॉट बी एक्सेलरेटेड। इनर्शियल फ्रेम में जिस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है वो एक्सेलरेट ही नहीं। फोर्स ड्यू टू द फ्रेम विल बी जीरो। फ्रेम के कारण फोर्स क्या होता है? फोर्स एफ बराबर एम ए बराबर जीरो, ए बराबर जीरो, वेलोसिटी का रेट जीरो, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। ठीक है, ऑल अनएक्सेलरेटेड बॉडीज आर इनर्शिया, जितनी भी अनएक्सेलरेटेड बॉडीज हैं वो इनर्शिया है। इसका एग्जांपल है क्लासरूम है, बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है। ठीक है, आपकी मूविंग अर्थ नॉन इनर्शिया। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के अबाउट रोटेट कर रही है, तो जितनी भी रोटेटिंग बॉडीज है सब नॉन इनर्शिया। अब अर्थ के अंदर क्लासरूम है वो इनर्शियल है, बस स्टॉप है वो इनर्शियल है, क्योंकि वो नहीं बदल रहा है। अर्थ तो ऐसे रोटेट कर रही है, अर्थ की एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है। मैं तो बता सकता कितना टाइम लगेगा चंद्रयान चंद्रयान। अब देखिए नॉन इनर्शियल ये टॉपिक भी हम आपको कल देंगे। ठीक है, पूरा हो गया इनर्शियल, नॉन इनर्शियल बता दें। नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम होल्ड नहीं करता न्यूटन्स लॉ को, न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ या न्यूटन्स लॉ। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम डज नॉट होल्ड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ and Newton's वो होल्ड नहीं करता न्यूटन के फर्स्ट लॉ को और न्यूटन के सेकेंड लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं। नॉन इनर्शियल फ्रेम does not hold the Newton's first law or Newton's second law. Dusra, dusri non-inertial frame, aap non-inertial frame mein unexcited body accelerate ho sakti hai. Ab jaise aap ho jhule mein baith gaye, wo to rest mein hai, तो अनएक्सेलरेटेड बॉडी एक्सेलरेट होगी। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम अनएक्सेलरेटेड बॉडी मे बी एक्सेलरेट। नॉन इनर्शियल फ्रेम में फोर्स लगता है और उस फोर्स को क्या कहते हैं? फिक्टिशियस एपरेंट फोर्स। ठीक है, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ठीक है, एक बॉडी पर फोर्स लगता है और उस फोर्स को क्या कहते हैं? सुपर जो रियल नहीं है। x-axis, y-axis, ये है आपका इनर्शियल।
y dash x, x dash x, z dash x. अनएक्सेलरेटेड फ्रेम में फोर्स लगता है। हाँ प्रभात, कहाँ पे हो? गुरुदेव चौराहे से आगे आप 11 नंबर क्रॉसिंग पे, वहीं हम किसी बच्चे भेज देंगे, ठीक है? आगे चलोगे गुरुदेव के आगे, मतलब क्रॉसिंग पे, ये क्रॉसिंग छोड़ के अगली वाली क्रॉसिंग पे आओ, बस वहीं रुकना, हम किसी बच्चे भेज देंगे। 11 नंबर क्रॉसिंग पर रुको। तो यहां पर फोर्स लगता है और वो फोर्स क्या कहलाता है? फिक्टिशियस, अपरेंट या सुपर। ए फोर्स विच डज नॉट रियली acts on the particle. एक फोर्स है जो रियल वे में पार्टिकल पे नहीं लग रहा है, ए फोर्स विच डज नॉट रियली एक्ट ऑन द पार्टिकल बट appears to be acts on a particle due to the acceleration of पर ऐसा लगता है फ्रेम पे लग रहा है, ठीक है, बट appears ड्यू टू acceleration of the frame, acceleration of the frame is known as apparent force or pseudo force or fitness. Apparent force, pseudo force or fitness. Fp की value minus, ठीक है। यहां पर जब एक्स फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली बॉडी माइनस नहीं होगा, चाहे वेक्टर को दिखाओ चाहे एफ पी बराबर माइनस, ठीक है। फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। एक्सेलरेटेड फ्रेम इज ऑलवेज नॉन, ठीक है। एक्सेलरेटेड फ्रेम इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड फ्रेम हमेशा नॉन जो भी एक्सेलरेटेड, इसका एग्जांपल है All moving bodies all rotating bodies All planets
जितने भी ग्रह हैं सब नॉमिनल। तो ये एक और आपके टेस्ट के लिए टॉपिक है। टेस्ट में लेसन सेकंड पूरा जहां तक पढ़ाया और लेसन फर्स्ट का न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रेमवर्क इतना ही है। पांच पांच पॉइंट हमने देखा। ठीक है अभी सर जितना तैयार कर लेना एक टेस्ट की कॉपी होगा यही फोन करना स्कूटी स्कूटी से है।